13 मार्च और अभी बजे सुबह के 6:30 और आज मैं जाने वाला हूँ काठमांडू से पोखरा बाय बस। काठमांडू से जो पोखरा का डिस्टेंस है वो है ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर का। और काठमांडू से पोखरा के लिए दो टाइप की बस चलती है, एक लग्जरी बस होती है, एक नॉर्मल बस होती है। तो आई थिंक जो लग्जरी बस का प्राइस होता है, कॉस्ट होती है पर टिकट, वो होती है 1800 नेपाली रुपी। और जो नॉर्मल बस होती है उसका जो टिकट का कॉस्ट होता है लगभग 1500 समथिंग नेपाली रुपीज़। तो ये जो टिकट से आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं या किसी टूरिस्ट एजेंसी से करा सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन नहीं कराना चाहते तो आप डायरेक्टली बस डेपो पर, बस स्टॉप पर विजिट होकर जो है इस टिकट को बाय कर सकते हैं। अपना टिकट वहीं से बाय करूँगा, यानी बस स्टॉप से सामने। ये पता नहीं किधर किधर को दिखाता है। हाँ, बस स्टॉप की तरफ जा रहा हूँ। और मेरे जो होटल से बस स्टॉप था वो था लगभग 350 मीटर, लगभग 10 मिनट्स का डिस्टेंस है बाई वॉक। तो अगर पोखरा जाना है काठमांडू से बाई बस, तो यहाँ से ना सारी बसें 7 बजे निकल जाती है। अभी देखो यहाँ पे सभी बसें भी खड़ी है ना, ये पोखरा के लिए खड़ी है। और 7 बजे सब बस निकलेंगी है, 7 बजे के बाद आपको कोई भी बस नहीं मिलेगी। तो ये बस है, अभी मैं देखता हूँ लग्जरी बस कौन सी इसमें और नॉर्मल बस कौन सी है। यही बस जाती है क्या पोखरा? हाँ, पोखरा। कौन सा है, नॉर्मल बस है लग्जरी वाला? कितना टिकट है इसका? 1400। एक अंदर जाके ये भैया जरा जरा बैग रखना, पीछे ऊपर जाएगा अंदर। ये भी बड़ा? हाँ, ये दोनों जाएगा। सेकंड लास्ट में ना? आई और सेकंड लास्ट में बैठता हूँ, फिर थोड़ा व्यू आ जाएगा पूरा। ये भी सही है, ये भी सही है। तो जो लग्जरी बस होती है अंदर से कुछ इस टाइप की होती है, और ऑलमोस्ट इसमें 50-60 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं। तो अभी इतने पैसेंजर्स हैं नहीं इस बस के अंदर, बट अभी 7 बजे के टाइम जब ये बस निकलेगी तो आई थिंक जब तक पैसेंजर्स आ जाएंगे सभी, तो बहुत सारे पैसेंजर्स क्या करते हैं ऑनलाइन बुक कर लेते हैं अपने टिकट्स, और बहुत सारे जो है यहाँ पर आके डायरेक्टली बाय कर लेते हैं। तो ये कुछ व्यू है भाई इस लग्जरी बस का। इस बस में 3 चीज़ आपको अच्छी मिलेगी। फर्स्ट तो ये कि जो सीट्स है ना वो काफ़ी अच्छी है, मतलब रिलैक्सेबल है। और सेकेंड ये कि यहाँ पर हर एक सीट के ऊपर फ़ैन लगा हुआ है। थर्ड चीज़ ये मिलेगी आपको कि यहाँ पे ना हर सीट के पास में आपको एक सॉकेट मिल जाएगा, आप अपना मोबाइल वगैरह यहाँ पे चार्ज कर सकते हो, हर सीट के पास में आपको मिलेगा। तो मेरी जो सीट है वो फ्रंट पे है, फ्रंट की सीट ली है मैंने ताकि पीछे का जो पूरा व्यू है वो अच्छे से आ जाए, क्योंकि मैं जब वीडियो बनाऊँगा तो पूरा व्यू प्रॉपर आ जाएगा। और ये जो बस है एसी होती है, एसी आपको इसे मिलेगी, बट यहाँ पर काठमांडू में ना एसी की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पर ठंडी होती है काठमांडू पोखरा सभी सिटी में। सामने एक LCD लगी हुई है, यहाँ पर आप मूवीज़ देख सकते हैं। जब ये बस शुरू होगी तो मूवी यहाँ पर प्ले हो जाएगी। तो कभी भी आप लोग यहाँ पे बस से ट्रेवल करोगे ना काठमांडू से पोखरा, तो जो बस का नंबर है वो अपने मोबाइल फ़ोन में ज़रूर सेव कर लेना, ये हमारे बस का नंबर है। तो मैंने वीडियो में ले लिया है, और कोई भी अगर रास्ते में प्रॉब्लम होगी तो टेंशन नहीं है, नंबर मेरे पास में रहेगा। तो ये हमारी बस है, फ्रंट से इसका जो लुक है कुछ इस तरह का दिख रहा है। तो दोस्तों अभी जो है बज गए पूरे 7, और जो हमारी बस है ना बस निकलने के लिए रेडी है, और जो हमारे भाई पायलट साहब आ चुके हैं। और यहाँ से जो पोखरा की जर्नी होने वाली लगभग 6 से 7 घंटे की होने वाली है।
पाल जी भैया हमारे जो कंडक्टर हैं इस बस के, अभी अभी उन्होंने टिकट दिया है। अच्छा अच्छा तो भैया ने हमारा टिकट ले लिया अभी। अच्छा 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 डालने के लिए हाँ अच्छा अच्छा चलो चलो कोई नहीं। तो लगभग 7-7 घंटे लग जाएंगे पोखरा तक पहुंचने में, और सिर्फ एक जगह बस ना स्टॉप लेती है, मतलब एक ही जगह रुकती है। तो मैंने ना कल जब मैं रात को घूमने गया था बाहर, मैंने कुछ फ्रूट्स ले लिए साथ में, मतलब तो ये फ्रूट्स हैं इसमें खा लूँगा। पर भैया बोल रहे थे अभी कि अगर तुम्हें मतलब कहीं रुकना है, पेशाब वेशाब टॉयलेट करना है, तो आगे बोल देना कंडक्टर से, तो रोक लेते कहीं भी मतलब बीच में। ऑलमोस्ट 8 बज गए हैं और 1 घंटा अभी तक लग चुका है सिर्फ काठमांडू सिटी में, और यहाँ पे ना ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है। एंड जैसे ये बसेस का जो साइज होता है बिग होता है, तो यहाँ पर जो रोड्स हैं ना थोड़े छोटे हैं, तो इसलिए टाइम लगता है। अगर आप बाई बस जाओगे तो ऑलमोस्ट 1 घंटा आपको काठमांडू सिटी से बाहर निकलने में लग जाएगा। सुबह के 8:40 हो गए हैं, और अभी जो है जो हमारे बस वाले भैया हैं उन्होंने बस रोकी है एक छोटे से ढाबे पर चाय पीने के लिए, कॉफ़ी पीने के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ बाहर निकल के भाई, ये छोटा सा जो यहाँ पे कैफ़े है किस तरह का है, ढाबा टाइप का है। तो यहाँ पे है एक छोटा सा चाय स्टॉल है, देना एक चाय देना भैया टी। तो यहाँ पर प्राइस देख सकते हो क्या प्राइस है चाय का और कॉफ़ी का, ये कितने का है 40, ये कितने देखो 30। तो एक चाय लिए मैंने और एक समोसा, समोसा है नेपाली 40 रुपये का मिला है, और चाय जो है ये मिली है 70 नेपाली रुपीज़ की। तो अभी पहले ना ये खा लेता हूँ समोसा और चाय पी लेता हूँ, और यहाँ पे वाशरूम भी है तो वाशरूम यूज़ करके ना और फिर डाले वापस बस में बैठ जाऊँगा। बस जो है पीछे खड़ी है हमारी, तो पहला स्टॉप यहाँ पर लिया इन्होंने, और शायद 2-3 घंटे और ड्राइव करने के बाद में दूसरा स्टॉप लेंगे दोपहर के टाइम पर जब खाने का टाइम होता है। तो दोस्तों अभी जो है 11:30 हो गए हैं, और अभी हमारी जो बस है फिर से एक ढाबे पर रुकी है दोपहर का खाना खिलवाने के लिए। तो अभी बाहर जा रहा हूँ मैं, और आज ना ट्रैफिक ना बहुत ज़्यादा मिला है, और जो काठमांडू से ये पोखरा का रोड है ना पूरा भाई मतलब बेकार है, टूटा फूटा पड़ा है। तो इन्होंने बोले तो 6 घंटे थे कि 6 घंटे पहुँचा देंगे, बट लगता नहीं है, मतलब 10 घंटे पूरा लग जाएंगे आज। ये बस खड़ी है, खाता हूँ कुछ देख के यहाँ पे जो भी होगा फूड अवेलेबल। वैसे तो इंडियन खाना मिल जाता है यहाँ पे सब जगह, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई पहाड़ बहुत सारे हैं यहाँ पर अभी इतने ग्रीन नहीं है, क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम
ख़त्म हुआ है ना, इसलिए अभी जब बारिश का मौसम आएगा तो तब बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू देखने को मिलेगा आप लोगों को यहाँ पे। यहाँ पे ना एक मैंने थाली ली है वेज थाली, और इसमें देखो ये सब चीज़ें मिली है वेज थाली में, ये राइस है, दाल है, खीरा है, दही, और ये कुछ फ्राइड है पापड़ के जैसा, और गोभी। तो ये थाली हमें इन्होंने 300 नेपाली रुपए की दी है, और ये जगह है बैठ के खाने के लिए, सामने अच्छा सा एक व्यू है और पूरा रेस्टोरेंट है यहाँ पर। होटल के लिए नहीं, सब है हाँ? खोया हुआ है पहले। शाम के 5:30 हो चुके हैं और हमारी बस ने जो है हमें छोड़ दिया है पोखरा के बस डेपो पर। ये पोखरा का जो है बस डेपो है, यहीं पे सारी बसें लगी हुई हैं जो भी काठमांडू से आई हुई थी। तो यहाँ से जो मेरा होटल है ना वो लगभग 1.5 किलोमीटर है, तो मैं कोई टैक्सी वैक्सी नहीं लूँगा यहाँ से। तो काठमांडू से ना यहाँ आने तक भी पूरे 10 घंटे लग गए हैं। सुबह 7 चली थी बस और अब 5:30 बज गए। हेलो ब्रो, थैंक यू, वेलकम टू नेपाल। नो बाय, होटल इज़ वेरी नियर। नो नो, आई कैन गो बाय वॉक। तो बस जा रहा हूँ यहाँ से पैदल पैदल अपने होटल पर अभी। तो जो जल्दी थी भाई ठीक ठाक हो गई, क्योंकि बस ना यहाँ पे ठीक रहती है, बस कंफर्टेबल थी बहुत ज़्यादा। तो चार पाँच घंटे तो सो ही गया था मैं, और बाकी का जो टाइम बचा था ना बाकी था उसमें मैंने गाने वाने सुने, म्यूज़िक सुना, थोड़ी मूवी देखी, तो पूरा हो गया सफ़र। टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है एक्चुअली, टाइम इसलिए लगता है यहाँ पे ना रोड बन रहा है,